फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वेजिटेबल बिरयानी बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से कुकर में बनाएंगे, जो बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रहता है। मैंने ये एक कटोरी बासमती राइस लिया है। आप जो नाप से राइस ले रहे हैं उसके हिसाब से आपको पानी 2 से 2.5 कटोरी डालना है। ये कुछ मिक्स वेजिटेबल सब्जी है, आप अपनी चॉइस से सब सब्जी डाल सकते हैं। मैंने इसमें कैरेट, बीन्स, मटर, फुल गोभी, सोयाबीन्स सब सब्जी डाला है और एक टमाटर और अदरक का हम पेस्ट कर लेंगे। फर्स्ट हम राइस को धो के उसमें अच्छा पानी डाल। अब मैंने कुकर गरम रख दिया है, उसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 टेबल स्पून। गरम होते ही हम उसमें ये खड़ा मसाला डालेंगे, जिसमें मैंने लौंग, पट्टा, इलायची, स्टार फ्लावर, काली मिर्ची, सौंफ, जीरा और तेज पत्ता लिया है। ये हम गरम तेल में डाल देंगे। एक हरा मिर्ची और काला मिर्च को डाल देंगे। सब्जी को हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। हमें ये सब्जी को ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि हम इसका चलिए। अभी हम सब्जी में मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून मिर्ची, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 1 से 2 चम्मच अपने क्वांटिटी के हिसाब से बिरयानी मसाला। और अब ये मसाले को 1 मिनट हम पकने देंगे। अब ये मसाला सूख गया है, हम इसमें 2 से 3 चम्मच जितना दही डालेंगे। और इसे हम इसमें अभी ये सब्जियों के ऊपर मैं थोड़ा सा पुदीना, ऐसे ही कोथमली और पुदीना को मैंने थोड़ा सा कट किया हुआ है वो डालेंगे। ये स्टेप मिस मत करना, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कोथमली और पुदीना। अभी मैं इसमें 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ, जो चावल का 1/2 पानी है। मैं चावल में 2 से 2.5 कटोरी पानी डालूंगी। अभी ये हमारा बाकी का चावल ऊपर से हम पानी के साथ डाल देंगे। और उसे ऐसे थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। वापस ये कोथमली और पुदीना डालेंगे। दूध में मैंने थोड़ा सा केसर मिक्स करके रखा है, जो इसको नेचुरल कलर देगा, वो डालेंगे। अब हम इसे कुकर में 2 विसल ले लेंगे। ये बिरयानी के साथ मैं प्याज का पचड़ी बना रही हूँ, उसके लिए मैंने प्याज को बारीक कट कर लिया है, दही, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा अखा जीरा एंड कोथमली। ये पचड़ी बिरयानी के साथ बहुत ही टेस्टी है। ये हमारा कुकर ठंडा हो गया है, तो हम इसे खोल के चेक करेंगे। आप देख सकते हैं बिरयानी कितना ही खुला खुला, कितना अच्छा से कलर आया। बिरयानी एकदम ही खुला खुला और बहुत ही अच्छा बना है। एकदम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और एक बाउल में खाली करेंगे।
कि हमारा सोया बिरयानी और पचड़ी रेडी है। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।